तो एक बात बताओ, कंपनी ने डिसकंटिन्यू भी कर दिए पोलो, अब आनी बंद होगी, तो आपने फिर भी पोलो ही क्यों ली? और इनके पार्ट्स वगैरह मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आवे, कोई पार्ट टूट जावे तो उसके लिए कहाँ जाएंगे फिर, कहाँ मिलेगा वो? ये तो लेने के बाद सर्विस वगैरह करवाइए एक आधी इसकी। हाँ, क्या बोलने चाहोगे हमारे ऑडियंस से? बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को। हेलो भाई, मैं सोबित अदाना और आज अपने सामने खड़ी है पोलो। तो पोलो हाल ही में कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दी, अब आनी बंद होगी पोलो इसकी सेल्स के कारण। और मैं बताऊं तो इसके पार्ट्स वगैरह मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है और पार्ट्स मिलने बहुत मुश्किल हैं इसके। तो इसके ओनर से बात करेंगे, इतनी सारी समस्या होने के बाद भी उन्होंने पोलो ही क्यों ली। तो मिलते हैं सीधे इसके ओनर से। तो इसके ओनर है हमारे शोएब सैफी भाई। तो क्या हाल है भाई? बस बढ़िया। आप पहले आप अपने बारे में बताओ थोड़ा सा, आप क्या करते हो? हमारा इंटीरियर का काम है, ये फ्लैट वगैरह का। हाँ, इंटीरियर का जो भी काम होता है वो सारा आप ही करते हो। तो कौन सा मॉडल है भाई ये अपना? ये 12। कब लिए आपने ये? इसको हो गए 3 महीने हो गए। सेकंड हैंड लिया आपने? हाँ, सेकंड हैंड लिया। तो कितने रुपए की पड़ी सेकंड हैंड? ये मुझे 3 लाख रुपए की पड़ी। 3 लाख की? मतलब मैंने ली तो है ये 2020-2030 के समथिंग के लिए, उसके बाद में मैंने इसमें तकरीबन 80,000 रुपए लगाए। अच्छा, उसके बाद रुपए लगाए हैं आपने। अगर सेकंड हैंड मार्केट में जाओगे तो रीसेल वैल्यू इतनी ना है इन गाड़ी की, रीसेल वैल्यू इतनी नहीं। हाँ, तो सस्ती मिल जाए इस हिसाब से। तो एक बात बताओ, कंपनी ने डिसकंटिन्यू भी कर दिए पोलो, अब आनी बंद होगी, तो आपने फिर भी पोलो ही क्यों ली? और इनके पार्ट्स वगैरह मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आवे। हाँ, अगर कोई गाड़ी कटी है हाँ, तो उसका पार्ट्स मिल जाएगा इसके लिए, अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, नहीं तो अगर कोई नया पार्ट लेना है तो बहुत मुश्किल है। तो फिर आपने क्यों ली फिर पोलो? पोलो नाम है, नाम ही काफी है पोलो। नाम तो है, अब जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ती है मेरे हिसाब से। लेकिन वॉक्सवैगन अपने आप में एक ब्रांड है। हाँ, और इसकी स्पीड भागने की और बिल्ड क्वालिटी और बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर और गाड़ी में नहीं देते। अब और कोई सी गाड़ी भी ऑन करते हो आप इससे अलग? हाँ, i20 है, वरना है। अच्छा, लेकिन इसके कंपेयर बेकार है। i20 और वरना से? वरना भी बेकार है इसके सामने, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है। हाँ, और स्पीड भी, ये 12 मॉडल है, अब भी 200 क्रॉस कर देती है। ये CNG में है अपनी? ये CNG है। वो i20 भी CNG में? हाँ, i20। तो i20 कितनी भग जाए टॉप स्पीड CNG पे? टॉप स्पीड CNG पे 160 लास्ट। 160? और ये? ये तो तुम्हारा ही मान लो, अगर CNG पे है तो कम से कम 185। अब लेने के बाद इसकी परफॉर्मेंस पता चली है, पहले से ही मन में था? पता चली है। हाँ, पता तो पहले भी था कि पोलो जो है बहुत अच्छी गाड़ी है। मेन तो लुकिंग वाइज इसके कंपेयर की कोई गाड़ी नहीं है लुकिंग। हाँ, में हाँ, इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। इसका मेन रेड कलर। हाँ, रेड कलर और छत ब्लैक हो गया तो बेस्ट लगती है और चलती भी बढ़िया वैसे तो। अब जैसे इसके पार्ट्स वगैरह मिलने में, अगर ना मिले कोई पार्ट्स इसका टूट जावे, खराब हो जावे, तो ये है कि कोई भी इसका पार्ट ऐसा नहीं है जो जल्दी से खराब हो जाए। इसका हाँ, इंजन भी कम से कम 4 लाख किलोमीटर पे हाँ, बनता है इसका। हाँ, अभी तो ये ऐसी चली है 53,000, चली भी बहुत कम है। अब जैसे कोई पार्ट्स टूट जावे तो उसके लिए कहाँ जाएंगे फिर, कहाँ मिलेगा वो? ये मिलेगा गोकुलपुरी दिल्ली। अच्छा, या कुरोल बाग, जहाँ गाड़ी कटे हैं, जहाँ पे गाड़ी कटती है वैसे मिलेगा इसका। मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मिलेगा भी हाँ, तो बहुत ज्यादा, इतना कॉस्टली होगी, इतने की गाड़ी है। हाँ, फिर इतने गाड़ी पड़ जाएगी। तो अपनी CNG पे कितनी चल रही है ये? CNG पे चल रही है 140 किलोमीटर। कितनी किलो गैस में, मतलब कितने किलो का सिलेंडर है इसमें? इसमें 14 किलो का सिलेंडर है, उसमें 10 किलो आ जाती है। 10 किलो गैस आ जा, कितने रुपए में फुल हो जा? 900 रुपए में फुल हो जा। और 130 बताई कितनी? 130 से 140 किलोमीटर चल जाती है, वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर AC चलाएंगे तो 135-140, नॉन AC चलाएंगे तो 160। अच्छा जी। हाँ, तो यार इससे बढ़िया, मतलब मुझे डीजल का माइलेज लगा फिर। डीजल इससे बढ़िया है, लेकिन उसकी एक तो लाइफ कम है। हाँ, लाइफ इतनी की इसकी अब हो चुकी है, अगर इतनी हम डीजल की लेते तो वो तो NCR में चलती ना 10 साल में आ जाती। 10 साल। तो लेने के बाद सर्विस वगैरह करवाइए एक आधी इसकी? हाँ, एक कराई है मैंने, इसकी सर्विस हुई है हमारी 14,000 रुपये। 14,000 रुपये की सर्विस हुई है? नॉर्मल गाड़ी की 5-6,000 रुपये की सर्विस। हाँ, ये एजेंसी इस पे ही, वोल्सवैगन की एजेंसी पे ही करवाई है? हाँ, एजेंसी पे कराई। इसका ऑयल ऑयल जो है, मोबिल ऑयल जो होता है, 4,200 रुपये का है, और गाड़ी का नॉर्मली 2,000-1,800 का होता है। हाँ, इसका इंजन ऑयल जो है वो 4,200 रुपए का है, तो ये 12-13,000 रुपए पहुँच गए। ये 13,000 रुपए की सर्विस। और i20 की कितने की पड़ जाए लगभग? 6,000 रुपए, 5-6,000। मारुति और i20 का तो सेम सही मानो। तो अब मन में है कुछ कि यार गलत ले ली थोड़ा महंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, शौक के लिए लिए, शौक इन गाड़ी है, कोई फैमिली की कार नहीं है। आपने क्या क्या काम करवाया इसमें लेने के बाद?
उसमें सबसे पहले तो इसके एलॉय व्हील, अच्छा एलॉय व्हील चेंज कराए इसके, हाँ एलॉय व्हील चेंज कराए हैं। और ये वोल्सवैगन के ही हैं ओरिजिनल, ये वोल्सवैगन के ओरिजिनल एलॉय व्हील हैं। ये 17 इंच हैं। ये कितने रुपए के पड़े अपने? ये पड़े हैं 32 के पड़े हैं मेरे, देखे मतलब जो इसमें थे अब वो टायर और रिम देखे तकरीबन। ये अगर नए लेंगे नए एलॉय व्हील है 48,000 रुपए के, नए 48 के हैं ये, सेकंड हैंड डलवाए मतलब मेरे देखे तब मुझे, हाँ तब इतने के पड़े हैं। और ये टायर प्रोफाइल क्या है, मतलब कितने इंची में है ये? 17 इंची है। 17 इंची है लेकिन ये इसके नहीं है, पोलो के नहीं है, एक हाँ। इनकी दूसरी गाड़ी आई थी पता नहीं कोई सी गाड़ी आई इनकी, हाँ। वोल्सवैगन की, उसके अलॉय व्हील है, उसके अलॉय व्हील है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ नहीं लेते, उसने नहीं निकलवा दिए थे, बिल्कुल बिल्कुल नए अलॉय व्हील। अब ये गड़ भी रहा है, हाँ टायर मोड़ती बार उठवाई है तब जाके इसमें डल पाए हैं। अच्छा ये गाड़ी बंद 3 इंची उठी है गाड़ी, तब हाँ। जाके 17 इंची डल पाए हैं, ये तो डलते नहीं है उठने के बाद। हाँ उठने के बाद। तो भाई एलॉय व्हील हो गए अपने, और क्या कराया? एलॉय व्हील हो गए, छत की छत ब्लैक कराई है, हाँ ठीक है, और पीछे की इसकी ये बैक, बैक लाइट भी ब्लैक है अपनी, हाँ। तो स्ट्रिप लगवाई है नीचे जो उसकी, ये खोलना इसकी एक बार, ओपन है, हाँ ओपन है। तो 14 किलो का सिलेंडर है अपने, 14 किलो स्पेस तो बसता ही ना इसमें, फिर लगेज वगैरह, हाँ थोड़ा बहुत वगैरह रखने के लिए। तो बाहर से तो यही अपना करवाया आपने? हाँ ये करवाया, हेडलाइट इसकी चेंज कराई थी, हेडलाइट जो है इसमें पुराने मॉडल की थी 2012 के मॉडल का ये, लेकिन हाँ लेकिन ये 18 मॉडल की हेडलाइट है, अब 18 मॉडल की है ये, 18 ये पीली पीली सी पड़ जावे बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, हाँ। फर्क क्या है उसमें, जो 12 का मॉडल है, हाँ। उसमें जो है सिंगल लाइट है हेडलाइट, इसमें डबल लाइट है। अच्छा इसमें, हाँ हाँ मैं समझ गया, लो बीम और हाई बीम जो है, हाँ लो बीम और हाई बीम अलग अलग है इसमें, उसमें सिंगल ही थी अपनी, और फोग लैम्प वगैरह सब, फोग लैम्प मैंने चेंज करा है वाइट है इसमें, अच्छा इसमें 4800 रुपए के इसके फोग लैम्प है, ओरिजिनली डलवाए हैं, ओरिजिनल डलवाए हैं वाइट वाइट वाले, हाँ चलो अंदर बैठते हैं अभी, यहाँ तक अपना एंड्रॉइड वगैरह सब आपने लगवाया? हाँ ये सब। इसमें पहला कैसा था, कंपनी से था या? कंपनी का जो था नॉर्मल ही होता है उसमें, वो नोब वाला जो आवे, हाँ। फिर ये चेंज क्यों करा दिया? बस इस पे एक तो लुक अच्छा है, दूसरी चीज एंड्रॉइड होना जरूरी है गाड़ी में, एंड्रॉइड होना जरूरी है। अब हाँ। जो इनके माउंट कंट्रोल स्टीयरिंग वगैरह पे ना मिलते, ना मिलते तो इसमें हम यूज आराम से एक्सेस कर सकते, आराम से करते, पर ऐसे ध्यान से जावे इन पे बटन पे की देख के ही दबाने पड़े हैं। अब हाँ। ये बेस मॉडल है, हाँ। बेस मॉडल में ये चीज नहीं दी, हाँ। ना ही 2012 में ये चीज दी, हाँ। ये जो चीज दी है अब 16 में 17 में मतलब अब दी है, अब जो तो गाड़ी चलाते हुए जैसे आप करो इसे ध्यान भटके थोड़ा बहुत ना, हाँ, सड़क थोड़ा तो डिस्टर्ब तो होता, हाँ। है ये तो है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते ना, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो कितनी स्टीयरिंग इसका चेंज कराएंगे तो ऐसी है 14,000 रुपए का स्टीयरिंग है, तो 14,000 रुपए का वो तो वर्थ ना फिर, ज्यादा रुपए लगाना इस मॉडल में। तो कितने चल गई है अपनी लगभग? ये चल गई हमारी 53,000 चल गई, हाँ। CNG? नहीं 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 CNG पे तो ये अभी लगवाई थी इसमें कुछ टाइम पहले, अच्छा कुछ टाइम पहले ली है, हाँ। उसने अभी लगवाई थी CNG, नहीं तो अब तक पेट्रोल पे चली है, पेट्रोल पे चली है तभी इतनी कम चली है, हाँ। क्योंकि पेट्रोल पे, पेट्रोल पे क्या माइलेज है इसका, एवरेज है 10 का दे रही है एलॉय के बाद, वैसे 12-13 का है, अब जो है 10 का दे रही है। और एसी वगैरह कैसा है गाड़ी का? एसी एकदम ओके, अभी देख लो तुम कितना बढ़िया कूलिंग कर रहा है, हां एसी सही कूलिंग कर रहा है। और ये माइक इसका एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड का, हां कूलिंग के लिए। एक इसमें पैक स्पेस बहुत ज्यादा कम बतावे, बहुत स्पेस तो है ही नहीं है, स्पेस नहीं है बिल्कुल, इससे कम स्पेस शायद मेरे हिसाब से कोई सी गाड़ी में ना हो, हाँ। तो ये मतलब फैमिली वगैरह के लिए नहीं लिया आपने? नहीं है ना, फैमिली के मकसद की है ना काम के मकसद की, ये शौकीन नहीं कार है बस। इसके साथ म्यूजिक सिस्टम के साथ अपने स्पीकर वगैरह भी लगवाए हैं? नहीं नहीं स्पीकर कंपनी के हैं, हाँ। मैंने जो है इसमें बेस ट्यूब लगवाई। अच्छा बेस ट्यूब लगवाई है, कौन सी कंपनी की? JBL। JBL की है, हाँ ये JBL। ये कितने रुपए की पड़ी है अपने? ये पड़ी है हमें 9,000 रुपए की। अच्छा 9,000 विद एम्प, एम्प है इसमें, एम्प इसके सीट के नीचे है, विद एम्प 9,000 रुपए की पड़ी है। तो साउंड वगैरह चलाइए, चला दियो तो हमारे साथ है हमारे देशो भाई भी है, आवाज कर दे पूरी।
साउंड वगैरह तो सही है, बेस ट्यूब वगैरह आउटपुट अच्छी है, JBL है तो बढ़िया होगी। तो भाई इसका इंजन 1000 cc में आवा है अपना, पावर और परफॉर्मेंस कैसी है इंजन की? पावर और परफॉर्मेंस ऐसी है 1000 cc की और जितनी भी गाड़ी है हाँ। उसके कंपेयर 1000 नहीं 1200 cc की भी जो गाड़ी है हाँ। वो भी फेल है इसके सामने। अब जैसे i20 से तो अच्छी बताई रही हो, i20 ले लो, स्विफ्ट ले लो, कोई सी भी ले लो इसके कम्पेयर हाँ जो नॉर्मली गाड़ी है इससे बढ़िया मतलब भगने में कोई गाड़ी नहीं। तो भाई नहीं तो कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दी। अब जो कोई भाई सेकंड हैंड देखना चाह रहा हो सेकंड हैंड मार्केट में बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगी हाँ। लेकिन हाँ। बहुत अच्छे प्राइस में ये वाला मॉडल मिल सकता है, जो न्यू मॉडल है वो 6 लाख से ऊपर ऊपर है। अच्छा जी हाँ, जो 2017 के बाद का मॉडल है 11-12 मॉडल हाँ, 11-12 मिल जाएगा हमें इतने का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख तक मिल जाएगा हाँ। लेकिन जो 17 का या 16 का मॉडल है वो 6 से वो तो ऊपर ही जाएगा, 6 से ऊपर जाएगा। कंपनी तो कोई और बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो हम नया मॉडल दिया है वो बहुत ज्यादा बढ़िया, उसके स्टीयरिंग में बटन है, माउंट कंट्रोल वगैरह वो तो हो जा। तो कोई अपना भाई लेना चाह रहा हो सेकंड हैंड तो रिकमेंड करते हो लेने के लिए? भाई बिल्कुल, अगर शौकीनी के लिए लेनी है हाँ। फैमिली के मकसद के लिए लेनी है तो बिल्कुल बेकार है, फैमिली के लिए नहीं है, काम के लिए नहीं है हाँ। अगर कोई पोलो अगर कोई लेगा तो इसका मतलब है वो शौकीन बंदा है। अगर वो पोलो लेना अगर चाहे एक तो माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स को अलग रख के लेना चाहे तो ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है हाँ। अगर पैसा अंधा है तो बिल्कुल ले सकता है। तो भाई के पास तो पैसा अंधा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो भैया काम काज वाले आदमी हाँ। चलो तो भाई वीडियो एंड करते हैं, आप क्या बोलने चाहोगे हमारे ऑडियंस से? बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को। ठीक है भाई, तो वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।